तो बालको आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं ये है हाउ टू बिकम अ टॉपर। काफी इंपॉर्टेंट चीज जो सब चाहते हैं कि कैसे एक टॉपर बना जाए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी जाए, कैसे पढ़ाई करें, क्या अलग करें कि टॉपर बने। अब देखो टॉपरों के पास भी 24 घंटे का टाइम होता है, तुम्हारे पास भी होता है, पर तुम वो चीज क्या नहीं करते जिसके वजह से तुम आज पीछे हो। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें जाननी चाहिए, जो तुम्हें सीखनी चाहिए, जिसके वजह से तुम अपने फील्ड में या जो भी चीज तुम गोल हासिल करना चाहते हो वो कर सको। जरूरी नहीं होता पढ़ाई में टॉपर बन रहे हो, तुम जिसमें भी बन रहे हो उसमें अपना बेस्ट कैसे दे पाओ, बेस्ट कैसे करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यही चीज डिफाइन करेगी तुम्हारी सक्सेस को। अगर तुम एक एवरेज लेके चल रहे हो हर चीज में तो बेटा तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कम से कम किसी एक फील्ड में तो तोपची बनो, कहीं एक फील्ड में तो झंडे गाड़ो कि तुमसे बेस्ट कोई नहीं है। मान लो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैं मैथ में इतना अच्छा हूं कि पूरे इलाके में कोई मेरे जैसा मैथ ना पढ़ाए, तब जाके कोई बात बने। अगर मैं एवरेज हूं तो कोई मेरे पास क्यों पढ़ने आएगा, सिंपल सा फंडा है। तो तुम वो चीजें क्या करो कि तुम्हें कोई कंट्रोल ना कर पाए, तुम्हारे लेवल का कोई मेंटेन ना हो पाए, तुम सबसे हाई लेवल पहुंचो, एक टॉपर बनो कैसे। तो देखो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना भी है, जैसे पढ़ाया है बच्चों को और जैसे देखा है, मेरे लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन थंब रूल है टॉपर बनने के लिए या अपने फील्ड में हाईएस्ट लेवल तक जाने के लिए, बेस्ट बनने के लिए। और ये तीन थंब रूल है WDSY, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मान के चलता हूं यह है वाई। देखो अगर तुम्हें एक मान के बात चल रहा हूं कि क्लास टेंथ का एक लड़का है, मान के चल रहा है क्लास टेंथ का लड़का है और उसको ख्वाब है कि मुझे लेके आने हैं 98% या 100% जो भी है अपने क्लास में टॉप करना है। अब उसको ये टॉप पर बनना क्यों है, उसको 98% मार्क्स चाहिए क्यों, इसके पीछे एक रीजन होना चाहिए उसके पास। देखो ये जो जर्नी होती है ना पूरे एक साल की होती है, कई ऐसे एग्जाम होते हैं जो दो दो तीन तीन साल की प्रिपरेशन करनी होती है, और ये दो से तीन साल या जो एक साल का जर्नी, ये छोटा मोटा जर्नी नहीं है भाई, एक साल काफी टाइम होता है। तुम कंटिन्यू मोटिवेशन के साथ तुम पढ़ाई करो, इसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। रीजन कुछ भी हो सकता है, तुम चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें, ये एक बहुत अच्छा रीजन हो सकता है। तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि मैं बेस्ट हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये एक रीजन हो सकता है। टीचर को प्राउड फील करवाना चाहते हो, ये हो सकता है। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि तुम्हारा कोई गोल हो जो टेंथ के मार्क्स से रिलेटेड हो या ट्वेल्थ के मार्क्स से रिलेटेड हो, इसलिए तुम टॉप करना चाहते हो। तो सिंपल सा फंडा है कि तुम्हें टॉपर क्यों बनना है, इसके पीछे का रीजन क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मान के चलता हूं कि मेरे केस में क्या है कि मेरे केस में मैंने स्टार्टिंग में अपनी एक स्टेज फिक्स कर ली थी कि हाँ ये लड़का टॉपर है, ये अच्छा लड़का है। अब मैं जब उसके नीचे भी आता था ना तो टीचर भी मुझसे बोलते थे कि शुभम क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, आजकल तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। अब ये मुझसे खुद अच्छा नहीं लगता था कि यार दूसरे मेरे से आगे निकल रहे हैं, मैं क्यों नीचे गिर रहा हूं। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मेरे फंडा यही है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मार्क्स तुम्हें मोटिवेशन देता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं दूसरों से नीचे जा रहा हूं, मार्क्स मेरे नहीं आ रहे, तो मैं हमेशा पुश करता था कि हाँ मैं हमेशा आगे रहूं। ये मेरे पीछे का रीजन था। मेरे घर वालों ने कभी प्रेशर नहीं है, मुझे घर वालों ने कभी बोला नहीं कि हाँ भाई इतने नंबर लेके आए, या मैं कभी खुश करने के लिए किसी को मार्क्स लेके नहीं आता था। मैं अपने संतुष्टि के लिए कि हाँ मुझे अच्छा बनना है, मुझे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, दैट्स इट। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे टॉपर बनना, एक होता है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल सा फंडा है, मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है। अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तभी बनोगे जब तुम टॉपर बनोगे, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाई में बेस्ट था, बाकी स्पोर्ट्स उसमें मैं कुछ खास था नहीं, तो मेरे लिए सब कुछ पढ़ाई था। तो ये मेरे पीछे का रीजन है कि मैं क्यों टॉपर बना या मैं क्यों अच्छे मार्क्स लेके आता था। तुम्हारे लिए क्या वो रीजन है, वो रीजन ढूंढो। अगला है डिसिप्लिन। देखो बेटा डिसिप्लिन नहीं हुआ ना तो तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, जो करना है कर लो, कुछ नहीं होना। रात को तुम जब पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम सुबह नहीं उठोगे, सुबह नहीं उठ पाओगे 4 बजे, पर फिर भी तुम अपने दिल को संतुष्टि के लिए कहते हो नहीं एक काम कर भाई आज सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे। एकदम मतलब अपने आप को तुम धोखा देते हो। डिसिप्लिन की कमी के वजह से तुम्हारे पास कितना भी ये वाई क्लियर हो, तुम्हारा ये जो 24 घंटे का टाइम है इतनी जल्दी निकल देंगे, आज का कल होगा, कल का परसों होगा, लोड बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ती जाएगी और तुम पीछे होते चले जाओगे। अगर तुमने डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने हैं, तो भैया पढ़ने हैं, बात खत्म, निकालो वो टाइम। तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने टॉपर बनना है या कोई चीज हासिल करनी है तो
डिसिप्लिन मेंटेन करके चलो। अगर तुम्हारे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम है, ये बात ध्यान रखना। और ये डिसिप्लिन तुम्हारे हर स्टेज में, हर टाइम में, फ्यूचर में भी काम आएगा। अभी से ही अगर मैं इसको सीख के चल रहे हो तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई नहीं चीज हो सकती। तीसरी है स्ट्रेटजी। देखो हर एक एग्जाम का पैटर्न होता है, हर एक एग्जाम का तरीका स्कोर करने का अलग होता है। जैसे मैंने अभी एक डाली थी वीडियो कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करें, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी दी थी। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप स्कोर करोगे। एक तरीका होता है हर एग्जाम का। अगर मान लो तुम एसएससी सीजीएल का एग्जाम कर रहे हो, या तुम एयरफोर्स एक्सवाई का कर रहे हो, या तुम एनडीए का कर रहे हो, या तुम 12th सीबीएसई का कर रहे हो, या तुम सीयूईटी का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग अलग एग्जामों के लिए जो प्रिपरेशन का तरीका होता है वो अलग होता है। एक अलग स्ट्रेटजी होती है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिविजन करना है, कैसे अपने टाइम को शेड्यूल फिक्स करना है, ताकि उससे शेड्यूल कैसे बनाना है ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उस चीजों को, कौन सी टाइप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कैसे पढ़ा जाए, उनको याद कैसे किया जाए, ये सब स्ट्रेटजी में आती है। तो अगर तुम्हारा एग्जाम 10th है या 12th है तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ कि मैं कैसे कैसे पढ़ूंगा, कैसे कैसे स्कोर करूंगा, कौन कौन सी बुकें मुझे पढ़नी है, उनमें से कौन कौन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, ये स्ट्रेटजी तुम्हारे पास क्लियर होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें, Why, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी, बस ये तीन चीजें तुम फॉलो करके चलो, तुम्हारा ग्राफ अपने आप ऊपर जाएगा और तुम जो चाहिए, जो तुम बनना चाहते हो वो तुम हासिल कर पाओगे। पर अगर ये तीनों में से कोई भी कमी है तो बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होना। फिर तुम ऐसे जितनी वीडियो बनाई है ये देखो, चार और वीडियो देख लो अलग अलग, उससे कुछ नहीं होगा। तुम स्क्रोल करोगे, दूसरी वीडियो चलाओगे और ये चलता रहेगा कार्यक्रम। जियो की बदौलत अंबानी जी की कृपा है भैया, मिल गया तुम लोगों को नेट, ठीक है। तो वीडियो चलते रहेंगे, अलग अलग देखते रहोगे, तो फिर ये कुछ काम का नहीं है। अब भी जाओ, अब भी स्ट्रेटजी प्लान बनाओ, वाई क्लियर करो कि तुम्हें नंबर क्यों स्कोर करना है, और डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना शुरू करो। मैं वादा करता हूं कि एक साल बाद जो तुम्हारा पेपर होगा उसमें तुम बेहतरीन नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। तो चलो निकलो, जाओ, बाय बाय।